नमस्ते, मैं होटिया ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलएफ थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कर्ण फिल्म की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या है एक्चुअली आपके लिए उनकी माइंड में एक्चुअली डीपेस्ट इमोशन क्या है। हो सकता है बात नहीं कर पा रहा है, मगर बात नहीं कर पा रहा है मतलब वो क्या भूल चुके हैं। हो सकता है बात कर रहे हैं मगर इनर माइंड में क्या है एक्चुअली, आपके पर्सन की मन के अंदर क्या है डीपेस्ट इमोशन, डीपेस्ट एक्चुअली फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आज की रीडिंग में मुझे जानना है। साथ ही साथ बिल्कुल देखेंगे करंट फीलिंग, इमीडिएटली डीपेस्ट फीलिंग दिख रहा है एंड करंट फीलिंग दिख रहा है। ठीक है, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी मगर पॉइंट टू पॉइंट आपका रीडिंग जो भी है आपको मिलेगा। एंड प्लीज डोंट स्किप, ये जो स्किप कर करके देखते हैं आप लोग मेन सजेशन से दूर हट जाते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता। कमेंट सेक्शन में कभी कभी मैं देखती हूँ, देख के पता चलता है ये पूरा देखा ही नहीं, तो अच्छे से देखिए, उससे जो भी सीखना है बिल्कुल लेसन लीजिए। ठीक है, एक टैरो रीडिंग कभी भी बस एक रीडिंग होके नहीं रह जाए, उसमें काउंसिलिंग रहे, मेरे गले का आवाज, मेरे सिखाने का कोशिश ऑलवेज रहता है। आप लोग हील्ड हो जाओ, आप लोगों को कोई रास्ता मिले, डायग्नोसिस काफी नहीं है। डायग्नोसिस के बाद अगर आप मेडिसिन ही नहीं ले रहे हो तो आपका प्रॉब्लम हल कैसे होगा। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्विसेस के बारे में। सर्विसेस, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको पीएलआर करना है, अगर ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, आपके बैलेंस, आपके हार्मोनियस रियूनियन विथ योर ट्विन, अगर रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी प्रॉब्लम आपका, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एंड आपको रेकी हीलिंग चाहिए इस प्रॉब्लम को हील करने के लिए, परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो बिल्कुल मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ कम्युनिकेट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, कैसे क्रिस्टल, प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल, एनर्जाइज क्रिस्टल, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके प्रॉब्लम के अनुसार वो क्रिस्टल मैं खुद एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाती हूँ। याद रखना, क्रिस्टल तभी अच्छा काम करेगा वो अगर प्रॉपरली एनर्जाइज हो एंड प्योर हो, तभी आपके लिए वो हीलिंग प्रॉपर्टी आपके शरीर में देंगे, आपकी एनर्जी में देंगे। तो अगर प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे वही सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है 9087282880 उसमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड रीडिंग से पहले दो बातें, हाँ आज की दो बातें, चलिए आज एक बात बताती हूँ। आप लोग तो सभी रिलेशनशिप में कोई क्राइसिस में मतलब आप लोग कुछ ना कुछ सफर कर रहे हो, तभी आप ये करंट फीलिंग की वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी कंफ्यूजन आपके दिल और दिमाग में है तभी आप देख रहे हो, राइट। एक चीज ऑलवेज, जो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उन लोगों के लिए भी, रिलेशनशिप को तो अच्छा करना ही चाहिए, वॉट एवर रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए तीन मंत्र है, महामंत्र बोल सकते हैं, द थ्री रूल। क्या क्या थ्री रूल है, क्या क्या एक्चुअली आपको ऑलवेज फॉलो करना चाहिए, तभी आप एक एक्चुअली ब्यूटीफुल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आपको मिल सकते हैं, जहां पे आपको रिस्पेक्ट, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, इसके लिए आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा मन ही मन, आपको ऐसा आप बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर से नहीं जाना पड़ेगा, खुश रहेंगे, जिंदगी तो आपका है, खुश रहना है ना। तो तीन महामंत्र क्या है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का। नंबर वन, पेशेंस। जिस चीज की मैक्सिमम प्रॉब्लम दिखाया जाता है, पेशेंस, वो क्यों कॉल नहीं कर रहा, वो उनका एक महीना हो गया क्यों नहीं कॉल कर रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पेशेंस से हैंडल कीजिए। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनकी याद होगा बिल्कुल करेंगे, या उनका याद हो रहा है, सिचुएशन ऐसा है तभी वो ऐसा कर रहा है।
तो बी पेशेंट्स, अगर बातचीत भी हो रहा है, पेशेंट्स लूज करना, तुरंत गुस्सा हो जाना, तुरंत कुछ याद उनकी बात पे हार्ट हो जाना। रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग टर्म एंड खूबसूरत बनाना है, पेशेंट्स ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए। नंबर टू, मैच्योरिटी, बी मैच्योर्ड। आपको कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, कहां खुद को थोड़ा सा बेन करना है, कहां स्ट्रेट रहना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं गुस्सा कर रही हूं, मैं जब बोलती हूँ थोड़ा एनर्जी कम दीजिए, मैम उसको ब्लॉक कर दूं, ये कोई मैच्योरिटी है? उनको एनर्जी कम देना मतलब खाली उनके बारे में सोचूंगी, उनकी ब्लॉक करूंगी, कभी कभी खोल के देखूंगी, फिर वो ब्लॉक तो नहीं किया, वो अगर ब्लॉक कर दिया तो हो गया काम। इट्स अ नॉट अ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इन द सेंस, वो किससे बात कर रहा है, मुझे डर गया, अरे चीज को समझो। पेशेंस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मस्ट। मैच्योरिटी में आप बिल्कुल, जब आपको बेंड होना है हो जाएंगे विदाउट ईगो, जब आपको खड़ा रहना है खड़ा होंगे, अपोज करेंगे, एंड आप ऑलवेज खुद को एकदम एक मार्जिन में रख के चलोगे। एंड थर्ड पॉइंट, जो सबसे बड़ा महामंत्र, किसी का एंटरटेनमेंट की सामान मत बनिए, फिर वो बुलाएगा या बुलाएगी आप दौड़ के जाओगे। ये एनर्जी अगर किसी को पता चल जाए कि ये तो मेरा एंटरटेनमेंट की जगह है, वो कभी आपको रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप नहीं दे सकते। तो तीन महामंत्र, नंबर वन पेशेंस, नंबर टू मैच्योरिटी, नंबर थ्री कभी किसी का एंटरटेनमेंट की सामान आप मत बनिए। सामान, अगेन आई एम टेलिंग यू, सामान वो आपको इंसान की इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा, वो आपको एज ए एंटरटेनमेंट की एक जगह पकड़ लेंगे। उस जगह जितना भी आपका जो भी रिलेशनशिप हो, नो डोंट अलाउ। अगर ये तीन आप मेंटेन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपको कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे उनकी एक्चुअल डीपेस्ट फीलिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं उनकी एक्चुअल फीलिंग आपके लिए क्या है, हाँ इमीडिएटली क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। मेरे जो व्यूअर्स है, उनकी पर्सन की एक्चुअल कलेक्टिव लेवल पे हम देखना चाहते हैं एक्चुअल फीलिंग क्या है। जब ये आपके सामने आएगी तो ये आपका ही रीडिंग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या है एक्चुअल फीलिंग टुवर्ड्स यू? क्या है डीपेस्ट फीलिंग? टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, नाइन ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड। देखिए इनका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, एक्चुअली डीपेस्ट फीलिंग कंफ्यूज बंदा है, कंफ्यूशन है इनको, ऑलवेज पहले से हारने की आदत है। रिलेशनशिप में आपके लिए बता रही हूं, बाकी चीज छोड़िए, आपके लिए इनके मन में मतलब अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली वो आपके बारे में, एवरेज, ये डीपेस्ट फीलिंग बोल रही हूँ, करंट फीलिंग नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअल फीलिंग जो है ऑलवेज रहता है, करंट फीलिंग तो एनर्जी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, राइट? एक्चुअली कंफ्यूजन में ये रहते हैं,
क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ कर सकता हूं कि नहीं, कुछ कर सकती हूं कि नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। एंड अल्टीमेटली उनको रास्ता ही नहीं दिखता है, अल्टीमेटली इनको रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स में हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे तीन कप गिरा है उसकी तरफ देख के दुखी हो रहा है, ब्लैक कलर की ड्रेस, पीछे जो दो कप खड़े हैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं है। ये पर्सन अगर चाहे तो ये 100% क्रॉस करके आप तक पहुंच सकते हैं, आपकी सब फ्यूचर देख सकता है, मगर पहले से ही हरा हुआ बंदा दिख रहा है। ठीक है, क्यों हरा हुआ बंदा? बिकॉज ऑफ फियर। इनका बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी, समाज की डर, ये सब बहुत ज्यादा है। इनकी फियर की एनर्जी है, समाज की डर है, हाउ टू फाइट इनको पता नहीं चलता, फाइट करने का इच्छा भी है, हिम्मत नहीं है, इस टाइप की एक्चुअल एनर्जी है। कंफ्यूजिंग एनर्जी। फैमिली के लिए पर्सन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा फैमिली एंड ऑल, ये बॉन्ड इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह रखते हैं। आपके लिए अगर बोला जाए, ये बहुत अच्छा से समझ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही आते जाते रिलेशनशिप नहीं है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड। हो सकता है उनको मालूम नहीं क्या सोलमेट है, क्या ट्विन फ्लेम है, क्या क्या है, बट इनको लगता है कुछ तो पास्ट लाइफ का बॉन्ड है, कुछ तो सोल लेवल बॉन्ड है, जिसके कारण मैं इतना चाहते हुए भी इनको छोड़ नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं। इस टाइप की एनर्जी इनके लिए काफी है। ये ऑलवेज बैलेंस करना चाहते हैं मगर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नाइट ऑफ वांड्स वाला एनर्जी आ रहा है, मतलब एक बार इसका छूट मिले तो दौड़ के हड़बड़ा के आपके पास आएगा, पैशनेट लव फील करता है आपकी तरफ, मगर इनका एक्शन जो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा पेज वाला एनर्जी है, कभी बहुत बात कर लिया, कभी थोड़ा चुप हो गया, डर गए, मगर एक्शन के बारे में ऑलवेज सोचते हैं। इनके लिए सोसाइटी एंड फैमिली ये बहुत बड़ा काम कर रहा है आपसे प्रॉपर रियूनियन को रोकने के लिए, बट ये रियूनियन वाला एनर्जी इनका है बिकॉज स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड ऑलवेज सेइंग अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपका उनका विश फुलफिलमेंट होगा। इनके प्यार की कभी मुझे नहीं दिख रहा है, काप भी गिरा हुआ है, पैशनेट लव है, फियर है। इनको देखो अपब्रिंगिंग एक एक इंसान का एक एक होता है ना, एवरेज ये एनर्जी इनका है। कंफ्यूजिंग एनर्जी है, एक्शन लेंगे मगर सोच थोड़ा सा, कम्युनिकेशन की एनर्जी भी आ रहा है, कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, मगर कैसे होगा, फैमिली मानेंगे नहीं मानेंगे, कैसे होगा, इस टाइप की बहुत सारा इनके दिमाग में है। मिला के देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर बोला जाए, फैमिली हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई ऐसा है थर्ड पार्टी हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, आपका मॉनिटरी जो स्टेटस होता है वो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर कोई तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपका, तो आपका अलग अलग, ये तो पर्सनल रीडिंग है नहीं है, इट्स कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, तो आपको पता है कौन सा एक्चुअली द ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही एक्चुअली आगे नहीं आ पाते ऑलवेज, बट इनका पैशनेट लव है, आगे आएंगे भी, एंड मतलब इनका मन में हड़बड़ा के आने का इच्छा होता है, एक्शन का भी इच्छा होता है, मगर वही एक सिचुएशन से थोड़ा सा स्टक रहते हैं। ये एक्चुअल एवरेज एनर्जी इनका दिख रहा है मुझे, एक्चुअल एनर्जी में अभी मुझे देखना है कि इनका करंट फीलिंग इमीडिएट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन हेल्प करे, करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं आपको, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है। द हार्मिट, फोर ऑफ वांड्स इमीडिएट एनर्जी, एट ऑफ वांड्स जजमेंट, द एम्परर, यहां पे बहुत लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, मैंने बोला ना बहुत लोग हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन फियर, मैंने बोला ना ये बंदा डरपोक राजकुमार, ठीक है, अगेन डरपोक राजकुमार का तो क्या करें। ठीक है, चलिए देखिए, ये पर्सन का सेल्फ लव बहुत कमी है, इनका मेन प्रॉब्लम ही है सेल्फ लव। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बिल्कुल एनी हाउ सबके लिए बोलूंगी, सेल्फ लव के ऊपर खुद कम कीजिए। एवरी बॉडी इज मिरर इन ईच अदर, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी उनके लिए मिरर की काम करेंगे, एंड आप एनर्जेटिकली कनेक्ट तो हुई, तो बिल्कुल आपका पॉजिटिविटी, आपका
गुड एनर्जी उनको भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। अगर हीलिंग लेना है हीलिंग लीजिए, अगर खुद हीलिंग जानता है हीलिंग दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा इस मोमेंट पे। सेल्फ लव की कमी दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये पर्सन जो है बहुत सोच समझ के चलने वाला इंसान है, ऐसा ही फ्लुक में इनका हड़बड़ी करने का इच्छा है, क्योंकि आपके पागल हो जाता है, सोल लेवल कनेक्शन है, कंट्रोल करता है ये पर्सन द एम्परर। हो सकता है घर में ये खुद फादर है, या इनका फादर फिगर कोई है, या आप फादर हो, ये जगह से भी ये कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है फादर फिगर और समथिंग एजेड आदमी घर में है, इसके लिए भी वो उनको मान के आगे नहीं आ पा रहा है, ये भी हो सकता है। खुद फादर है, आप फादर हो, कोई भी हो, इस जगह से एक जगह पे वो रुक के रखा है, मगर ये काफी एक मतलब बहुत सोच समझ के चलना इस मोमेंट पे दिख रहा है। मगर वही जो सेल्फ लव की कमी है, सबके लिए सोचेंगे, खुद के लिए कम सोचना, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे सजेशन रह रहा है कि बैलेंस, इमीडिएट नीड बैलेंस, आपके पर्सन के अंदर भी एक बैलेंस वाला एनर्जी दिख रहा है। लवर्स कार्ड इट्स अ माइंड सोल एंड फिजिकल लेवल कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन चाहते हैं, गोल 100%। यहाँ पे रियूनियन एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कार्ड से, करंट फीलिंग, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं से करंट फीलिंग में वो आपसे रियूनियन चाह रहा है, कम्युनिकेशन चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, जिस एक्चुअली उसका जो इच्छा है, उनका जो इच्छा है वो गोल तक पहुंचाना चाहते हैं। डिवाइन भी उनको हेल्प कर रहा है, मगर डिवाइन हेल्प करे तो क्या है, दोनों ब्लॉक तो आपके सामने आ गया, एक है सेल्फ लव की कमी, एक है फियर। आप लोगों के अंदर अगर फियर के ऊपर काम कीजिए, फियर है ही 100% मिरर होता है, तो फियर के अगेंस्ट में काम कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर काम कीजिए। सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी है ये, लाइफ जर्नी, ठीक है। सो बिल्कुल एक काफी पॉजिटिव एनर्जी है, वो रियूनियन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा गिवर हो। वो कहीं ना कहीं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जगह से देखते हैं कि आप आए तो इनकी जिंदगी का हर प्रॉब्लम सॉल्व, इतना गिवर ये जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो उनको मालूम है इतना डर है, ये है वो है, मगर ये ही एक इंसान है जो मुझसे एक्चुअली मेरे प्रॉब्लम में, मेरी जो भी टाइम हो, ये ही मेरे पास खड़े हो सकते हैं। तो ये वाला एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग इमीडिएट एनर्जी में दिख रहा है। चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। ऑलमोस्ट क्लैरिफाई हो चुके हैं आज डिटेल में, तो फिर भी हम लोग देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। चलिए देखते हैं क्या थॉट्स है, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन आपके लिए। विक्ट्री, वो जीतना चाहता है, जो भी स्टकनेस है। डरपोक राजकुमार का तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, राजकुमार राजकुमारी जो भी हो। विक्ट्री यहाँ पे कुछ एनर्जी, कुछ जीतना, द टेम्पल पथ, एक हीलिंग एनर्जी, कुछ सच को जानना, उनको कहीं ना कहीं ये एक दिमाग में आया है कि जो सच है उसकी तरफ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो जो टेम्पल पथ, सिर्फ हो सकता है ये पर्सन बहुत एक रिलीजियस है, वो अपने जगह में जाना पूजा पाठ या जो भी, जिनका जो भी रिलीजियन है वो भी हो सकता है। साथ ही साथ इनके अंदर भी एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। देन मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये एक्चुअली हार्ट होल्ड करके खड़े हैं आपके लिए, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उनको मालूम है आप ही एकमात्र इंसान हो जो इनकी जिंदगी को ब्लॉसम से भर सकते हो, अबंडेंस से भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंजल ऑफ बैलेंस, यस, इसके इनके अंदर धीरे 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 बैलेंस जो एनर्जी है वहां पे भी टेम्परेंस आया है, एक बैलेंस आ रहा है। एंड आपको जो जो मैंने बोला, थर्ड चक्रा आर्क एंजल सैमुएल, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस इनका, हो सकता है बहुत ज्यादा ईगो से प्रॉब्लम होता था, ईगो में वो हैंडल करते थे, कहीं ना कहीं उस जगह से एक इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो इनका, क्योंकि इनके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी, एक कॉन्सियसनेस लेवल ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं अटैचमेंट, वो जो भी अटैचमेंट, आपकी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहा है आपके साथ, एक्सट्रीम अटैचमेंट इमीडिएटली फील कर रहा है। एंड बाकी का जो थर्ड पार्टी कार्मिक जो सिचुएशन है उसे धीरे 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 दूर में जाके आपकी तरफ एक अटैचमेंट ये फील कर रहा है इमीडिएटली। ये है ओवरऑल एनर्जी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहा है जिसमें वो आपके साथ एक्चुअली रियूनाइटेड हो जाए। चलिए देखते हैं, अच्छा एनर्जी है। देखिये मैं देख रही हूँ थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, थ्री बाबा 12, 2+1 3, नंबर 3 48, 4+8 12, 2+1 3,
थ्री नंबर काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1, 1 एंड 5, 1, 3, 5, ये तीन नंबर मुझे काफी इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है। हो सकता है ये डेट पे आप लोगों का कुछ 1, 3, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, आप दोनों का किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि ये दिनों में आप लोग जाके आप लोग मिलो आप लोगों का ये, अदरवाइज 1, 3, 5 मिनट, 1, 3, 5 आवर्स, 1, 3, 5 डेज, 1, 3, 5 वीक्स कभी भी आप दोनों में अभी के एनर्जी जो पिकअप हो रहा है एकदम रियूनियन एनर्जी मुझे दिख रहा है। देखते हैं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, बाबा एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा का संदेश इस मोमेंट पे क्या है आपके लिए। दैव एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने का कई अलग अलग रास्ते है, हम सब परस्पर जुड़े हुए है, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। कोई रिलीजन के बारे में अगर आप लोगों के दिमाग में है ये हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है ये जैन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं परमात्मा एक ही है, हम लोग अलग अलग रास्ते में जाके उनको ही टच करने का कोशिश करता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो जो अगर कोई ऐसा मेंटल ब्लॉकेज है यहाँ से निकाल के आइए, ठीक है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। अगर अभी ऐसा है कि कुछ लेसन मिल रहा है तकलीफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लेसन ही मिल रहा है, इसको आप खराब जगह से नहीं देने सोचिए, बिकॉज कहीं ना कहीं बाबा बोल रहे हैं ईश्वर हम लोगों का पेरेंट जैसे है, पेरेंट जैसे डांट के बाद में ठीक प्यार कर लेते हैं, वही एक्चुअली आपको अच्छे रास्ते तक पहुंचाने के लिए ही आपका जो भी अभी पनिशमेंट आपको वाइज करने के लिए, जो भी अभी लेसन चल रहा है वो कहीं ना कहीं वाइज करने के लिए, जब तक सीखेंगे पनिशमेंट खत्म, जब तक नहीं सीखेंगे एक ही काम बार 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 करते रहेंगे पनिशमेंट चलता रहेगा, पनिशमेंट नहीं बोलना चाहिए लेसन आपके लिए चलता रहेगा, आपके लिए लग रहा है पनिशमेंट, वो पनिशमेंट नहीं है लेसन है आपको सीखने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा। अगर कॉमेंट करना है दिल खोल के कॉमेंट कीजिए कॉमेंट सेक्शन में, आपका जो भी सजेशन रहेगा दीजिए, आपकी जो विश है दिल खोल के बोलिए कमेंट सेक्शन में। ये जो स्पेशल एनर्जी होता है मैं ऑलवेज एवरीडे जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का विश सचमुच एकदम फुलफिल हो जाए, एंड होने की बात ये बात सही है, आप लोग जो प्यार मुझे भेजते हो थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आती रहेंगे। थैंक यू।